Now this is the first example of regarding for loop statements. Example 1, what is the output of this program? This is program ke respect mein kya we observe karenge execution behavior of the for loops. For loop ke case mein total 4 session possible. This one is initialization session. Initialization session mein currently provide kiya simply printf statement display karaya value as 1. सेवन नेक्स्ट वन फर्स्ट और सेकंड सेमीकोलन के बिटवीन में प्रोवाइड क्या किया कंडीशंस दिस सेशन इज कंसीडर्ड एज कंडीशंस देन मॉडिफिकेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन थर्ड फोर्थ सेशन दिस वन इज बॉडी सेशन इस पर्टिकुलर पार्ट्स को कंसीडर करेंगे या बॉडी ऑफ फोर लूप जिस तरह से टोटल फोर सेशंस अवेलेबल रिगार्डिंग फोर लूप स्टेटमेंट फोर लूप के केस में फ्लोचार्ट डायग्राम क्या था फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन सेशन तो करंटली इनिशियलाइजेशन सेशन में पास क्या किया है प्रिंट एफ वन देन इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद चांस किसको प्रोवाइड हुआ कंडीशंस के केसेस में भी अगेन डायरेक्टली रिलेशनल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेगा कंडीशंस के प्लेस पर ऑगर हुआ है अगेन प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट एफ के केस में डिस्प्ले करा है मैसेज एज टू देन इस केस में टू पॉसिबल केस होंगे आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स अगर फॉर लूप के केस में कंडीशन ट्रू है देन कंडीशन ट्रू होने के केस में चांस किसको प्रोवाइड होगा बॉडी ऑफ लूप बॉडी पार्ट में डिस्प्ले करा है मैसेज है प्रिंट एफ फोर इस ट्रू होने के केस में चांस किसको प्रोवाइड होगा टू द बॉडी सेशन में अगेन स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है प्रिंट एफ मैसेज एज फोर नेक्स्ट वन बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन नेक्स्ट सेशन इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन के प्लेसेस पर भी अगेन प्रोवाइड किया सम प्रिंट एफ स्टेटमेंट विद मैसेज एस थ्री देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड होता है कंडीशंस मीन्स कंडीशन टेस्ट नेक्स्ट अगेन फिर से कंडीशन टेस्ट हुआ तो इस टाइप से बार बार चलता रहे जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता देन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा फॉल्स होने के केस में कंट्रोल का सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप मीन्स समथिंग एग्जिट करंटली इस केस में लूप के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं सिंपली इस केस में मेंशन किया नहीं आया एग्जिट पॉइंट दिस इज द बिहेवियर फर्स्ट वन सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेशन एग्जिट हो इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया जाएगा वन देन रिटर्न किया नंबर ऑफ डिस्प्लेड सिंबल प्रिंट एफ फंक्शन रिटर्न किया गया था नंबर ऑफ डिस्प्लेड सिंबल्स ऑलरेडी डिस्कस किया था इनिशियलाइजेशन सेशन लाइफ में ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट इट विल बी एग्जीक्यूट ओनली वंस फर्स्ट वन प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया हुआ है मैसेज एस वन कहीं भी स्लैश एन यूज नहीं किया है तो सारे के सारे मैसेज सेम लाइन में डिस्प्ले होंगे नेक्स्ट वन इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद कंट्रोल का सेंड हुआ मीन्स एग्जीक्यूशन सिक्वेंस ऑलवेज क्या फॉलो होता है फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन देन कंडीशंस के बाद बॉडी एग्जीक्यूशंस बॉडी के जस्ट बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस के बाद जस्ट कंट्रोल अगेन का सेंड हुआ टू द कंडीशन मीन्स फ्लो में एग्जीक्यूशन पे परफॉर्म हुआ मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप इसलिए इनिशियलाइजेशन सेशन ओनली कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है वन टाइम नेक्स्ट टाइम जब एक कंडीशन टेस्ट होगा तो प्रिंट एफ का बिहेवियर क्या है कंडीशंस के प्लेसेस पर कोई भी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट यूज करना पॉसिबल से इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए नॉन वॉइड मीन्स अदर देन वॉइड टाइप्स प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होने से डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज एस टू प्लस फाइनली प्रिंट एफ के प्लेसेस पर प्रिंट एफ फंक्शन रिटर्न क्या करेगा नंबर ऑफ प्रिंटेड सिम्बॉल्स कितने सिम्बॉल प्रिंट किए इसने ओनली वन तो इस प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ वन वन मीन्स जीरो और नॉन जीरो वन मीन्स नॉन जीरो नंबर मीन्स कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने केसेस में कंडीशंस के जैसे बाद कंट्रोल का सेंटर इन साइड बॉडी सेशंस मीन्स फर्स्ट केस में चांस किसको मिलता प्रिंट एफ वन दिस वन इज वन देन इस प्लेस पर उसको कंसिडर करा जाए सेकेंड देन थर्ड केस में चांस किसको मिलेगा कंडीशन टू होने पर बॉडी पार्ट के केस में इसको सिक्वेंस प्रोवाइड करा जाए सिक्वेंस थ्री अगेन क्या डिस्प्ले होगा फोर वन टू देन फोर कंडीशन के बाद क्या बॉडी सेशन के जस्ट बाद अगेन कंट्रोल सेंड होगा टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन के केस में इसको मार्क करा जाए सिक्वेंस फोर लेकिन इससे मैसेज डिस्प्ले होगा जाए थ्री देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद अगेन कंट्रोल कहाँ आएगा रिटर्न बैक टू कंडीशंस अकॉर्डिंग टू दैट फ्लोचार्ट डायग्राम मीन्स कंडीशन ट्रू बॉडी मीन्स फोर देन थ्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन अगेन कंडीशन टेस्टिंग में फिर से प्रिंट एफ को चांस मिलेगा अगेन मैसेज प्रिंट हो गया टू प्लस ये प्रिंट एफ रिटर्न क्या करेगा वन रिटर्न क्या वैसे
वन वन मीन्स अगेन कंडीशन टू, मीन्स इस केस में कंडीशन कभी फॉल्स होने के चांसेस ही नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम प्रिंट एफ से रिटर्न किया हुआ वन, नेक्स्ट टाइम टू प्रिंट होने के जस्ट बाद फोर, इसको सिक्वेंस प्रोवाइड करेंगे फाइव, फिफ्थ सिक्वेंस टू के बाद अगेन कंट्रोल होगा इनसाइड बॉडी सिक्स्थ, सिक्स्थ केस में अगेन डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज एस फोर, देन अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस सिक्वेंस एस सेवन, डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज एस थ्री, देन अगेन कंट्रोल कॉन्स्टेंट हो रहा है कंडीशंस, कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिक्वेंस क्या है इसका एट्थ सिक्वेंस, डिस्प्ले क्या हुआ वैल्यू एस टू और मैसेज एस टू, टू में कितने सिम्बॉल है वन, अगेन प्रिंट रिटर्न किया हुआ स्पेस पर वन, मीन्स इस टाइप से लूप बार बार चलता रहेगा, एवरी टाइम स्पेस पर रिटर्न किया हुआ टू, मीन्स फाइनल इस केस में सिक्वेंस क्या रहेगा एवरी टाइम टू फोर थ्री टू फोर थ्री टू फोर थ्री, इनफाइनाइट टाइम्स टू फोर थ्री टू फोर थ्री एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम, मीन्स इस केस में कंडीशंस कभी भी फॉल्स होने के चांसेस नहीं है, लूप कैसा है इनफाइनाइट लूप, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या हुआ लाइक दैट गिवन केस, इस ऑलवेज आपको बिहेवियर याद रखना चाहिए, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेशन, इनिशियलाइजेशन सेशन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ ओनली वन टाइम्स, देन अगर बॉडी पार्ट किसी भी लूप का बॉडी एंड टाइम एग्जीक्यूट हो रहा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कितनी बार परफॉर्म हुआ एंड टाइम्स, लेकिन कंडीशन कितनी बार चेक होगा इस बॉडी का भी एग्जीक्यूट हुआ ट्रू केस में, तो कंडीशन ट्रू कितनी बार रहा है इस केस में एन टाइम्स प्लस वन टाइम फॉल्स, इसलिए टोटल कंडीशन कितनी बार टेस्ट होंगे एन प्लस वन टाइम्स, एन मीन्स ट्रू और वन एन अदर वन इज फॉल्स, दिस इज द लॉजिकल बिहेवियर एग्जीक्यूशन डायग्राम और एग्जीक्यूशन फ्लो रिगार्डिंग फोर लूप्स।